इस वीडियो में हमने ब्रोकरेज एंड इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री से एक स्विंग कॉल निकाला हुआ है। ब्रोकरेज इंडस्ट्री में जो नए खाते लॉकडाउन में खुले हुए हैं उसका लाभ सभी ब्रोकरेज कंपनियों को मिल सकने की पूरी पूरी संभावना है, इसीलिए हमने इस इंडस्ट्री से एक स्विंग कॉल निकाला हुआ है। इस वीडियो में हम फंडामेंटल डिटेल्स देखेंगे, अर्निंग पर शेयर की फॉरकास्टिंग देखेंगे, एक्सपर्ट की राय, बाइंग लेवल्स और टारगेट लेवल्स भी देखेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार मित्रों, स्विंग स्टॉक चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिवादन है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, पहले अपडेट दे देते हैं। अपडेट में हमने एक बार फिर से सन फ्लैग आयन दिया हुआ था हमारे रडार में। यह जब भी बाइंग लेवल पर आता है तब हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में दे देते हैं। 42 से लेकर 44 की बाइंग रेंज बोली हुई थी और टारगेट 48 का था, यानी थोड़े ही दिनों में 10% का रिटर्न सनफ्लैग आयन ने हमें दे दिया है। 48 का टारगेट कल ही हिट कर दिया था, यानी सनफ्लैग आयन ने हमें 5वीं बार 10% से ज़्यादा का रिटर्न दे दिया है। अगर आप ऐसे ही शानदार स्विंग कॉल जानना चाहते हो तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हो, अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में डाल दे। आइए डिस्क्लेमर दे देते हैं, हमने जो स्विंग कॉल निकाला हुआ है ये मेरी खुद की रिसर्च और सोच के हिसाब से निकाला हुआ है। आप अपनी खुद की भी रिसर्च करें, स्टॉक लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की भी सलाह लें, कोई भी स्टॉक में 5% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। अगला स्विंग स्टॉक है ब्रोकरेज एंड फाइनेंस सेक्टर से एक स्मॉल कैप कंपनी मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल के रामदेव अग्रवाल को आप जानते ही होंगे। कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 70% शेयर्स प्रमोटर के पास है, 9% शेयर्स FIA के पास है, 4% शेयर्स म्यूचुअल फंड के पास है, 9% शेयर्स रिटेलर के पास है, यानी देखें तो काफ़ी अच्छी शेयर होल्डिंग पैटर्न है, शेयर होल्डिंग पैटर्न पॉजिटिव है। कंपनी की डेप टू इक्विटी रेशियो देखें तो 1.5% है, यानी अगर कंपनी 100 रुपीज़ की है तो 150 रुपीज़ का लोन लिया हुआ है। ब्रोकरेज एंड इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में काफ़ी सारे लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इस पैरामीटर को या तो न्यूट्रल गिन सकते हो या तो नेगेटिव भी गिन सकते हो। कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो पिछले 4 साल में लो साइड पर 5% की रही है और हाई साइड पर 24% की रही है, और लास्ट ईयर में लो साइड पर 5% की चल रही है। अभी ब्रोकरेज इंडस्ट्री में सुधार हुआ है तो यह पैरामीटर 20% पर जाने की पूरी पूरी संभावना है, तो अभी यह पैरामीटर नेगेटिव है, लेकिन आने वाले 1 साल में यह पैरामीटर काफ़ी अच्छा हो सकता है। कंपनी की अर्निंग पर शेयर देखें तो पिछले 4 साल में लो साइड पर 11 रुपीज़ की रही है और हाई साइड पर 43 रुपीज़ की रही है, और अभी लो साइड पर ही चल रही है, तो अभी यह पैरामीटर नेगेटिव है, लेकिन आने वाले 2021 यानी आने वाले साल के लिए कंपनी की फॉरकास्टिंग देखें अर्निंग पर शेयर की तो एक्सपर्ट 40 रुपीज़ का टारगेट दे रहे हैं, यानी इस कंपनी में अर्निंग पर शेयर में काफ़ी अच्छा बाउंस बैक आ सकता है और अर्निंग पर शेयर 40 पर जा सकता है, तो फॉरकास्टिंग पॉजिटिव है। कंपनी की बुक वैल्यू पिछले 4 साल में लो साइड पर 101 रुपीज़ की रही है और हाई साइड पर 208 रुपीज़ की रही है, और लास्ट ईयर में 208 रुपीज़ पर ही चल रही है, यानी पिछले 4 साल में कंपनी ने अपनी बुक वैल्यू को काफ़ी अच्छा बढ़ाया हुआ है, तो बुक वैल्यू पॉजिटिव है। कंपनी की नेट मार्जिन देखें तो पिछले 4 साल में लो साइड पर 7% की रही है, हाई साइड पर 22% का रहा है, और अभी लास्ट ईयर में नेट मार्जिन 7% पर चल रहा है, तो अभी यह पैरामीटर मीडियम है। कंपनी का रेवेन्यू देखें तो लास्ट ईयर में हाईएस्ट लेवल पर ही चल रहा है, तो कंपनी का नेट रेवेन्यू काफ़ी अच्छा बना हुआ है। कंपनी की नेट इनकम देखें तो नेट इनकम में कंपनी को नेट मार्जिन नहीं मिल रहा है, इसी हिसाब से कंपनी का नेट इनकम मीडियम साइड पर चल रहा है, अभी कंपनी का नेट इनकम मीडियम है। मोतीलाल ओसवाल कंपनी का शेयर पिछले ट्रेडिंग सेशन में 556 से लेकर 564 के बीच में घूम रहा था और अभी मिल रहा है 561 पे। कंपनी की मार्केट कैप 8300 करोड़ की है, यानी कि एक मिड कैप कंपनी है। हमने पहले स्मॉल कैप बोला हुआ था, लेकिन मित्रों मोतीलाल ओसवाल एक मिड कैप कंपनी है। 52-week रेंज देखें तो 52-week लो 426 पे है, 52-week हाई 900 के आसपास है, यानी अभी यह कंपनी 52-week लो के आसपास ही मिल रही है और काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट का मौका दे रही है। अर्निंग पर शेयर 24 रुपीज़ का है, पी रेशियो 22 का है, लेकिन अर्निंग पर शेयर 40 पर जाता है, जैसा कि
एक्सपर्ट प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो यह शेयर में पी रेशियो भी लो साइड पर उपलब्ध है, यानी कि यह कंपनी अभी सस्ते भाव पर मिल रही है। बुक वैल्यू 252 रुपीज की है, डिविडेंड 8 रुपीज का देता है, यानी डिविडेंड यील्ड हो गई 1.5% की है। तो आपको इस शेयर में 1.5% का डिविडेंड भी मिलेगा और ग्रोथ भी मिलेगा। आइए देखते हैं एक्सपर्ट की क्या राय है इस शेयर के बारे में एक साल के लिए। 100% एक्सपर्ट इस शेयर में बाय करने की सलाह दे रहे हैं, कोई भी एक्सपर्ट इस शेयर में बिकवाली की राय नहीं दे रहे हैं। और टारगेट रेंज देखें तो एक साल के लिए मीडियम रेंज 715 से लेके 810 रहने की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, यानी कि इस शेयर में आपको काफ़ी अच्छा गेन मिल सकता है। तो आप इस शेयर में स्विंग ट्रेडिंग और मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट दोनों कर सकते हो। आइए देखते हैं बाइंग लेवल्स और टारगेट लेवल्स क्या रहेंगे। मोतीलाल ओसवाल कंपनी को बाय करना है 540 से लेके 560 के बीच में बाय करना है। हमें एवरेज बना लेनी है 550 के आसपास की। हमारा पहला टारगेट रहेगा 610 का, हमारा दूसरा टारगेट रहेगा 660 का, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 537 का। यानी यह कंपनी अगर 537 के नीचे ट्रेड करती है तो हमको निकल जाना है और लॉस को बुक कर लेना है। हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखें तो इस शेयर में हमें सिर्फ 10 रुपीज का लॉस है, सामने 60 रुपीज से लेके 110 रुपीज का फायदा है। यानी 1:5 से लेके 1:10 का काफ़ी शानदार जानदार रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठ रहा है। हमारा टाइम होराइजन देखें तो 15 दिन से लेके 1 मंथ का टाइम होराइजन रहेगा हमारा। 15 दिन में 10% का टारगेट आ सकता है जो कि 610। अगर आपका टाइम होराइजन 1 मंथ का है तो दूसरा टारगेट 660 का जो कि 20% रिटर्न वो आ सकता है। अगर आपका टाइम होराइजन 3 मंथ से लेके 6 मंथ का है तो इसमें 700 से लेके 800 का टारगेट भी आ सकता है। मित्रों, क्या हमारे पिछले स्टॉक सनफ्लेगायन ने 10% का शानदार रिटर्न दे दिया था, वैसे ही मोतीलाल ओसवाल में 10% से लेकर 20% का रिटर्न कमा के दे सकता है? तो आप अपने एनालिसिस करके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हो। अगर आपको हमारे एनालिसिस से फायदा हो रहा हो, अगर आपको हमारे एनालिसिस पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खूब आभार मित्रों, खूब खूब आभार।